गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज वाइज की सीखेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। आज इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं हाउ वी चेंज पैसिव वाइज इनटू एक्टिव वॉइस, मतलब हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? मान लीजिए आपका सबसे पहले तो पहचानना होगा कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है या एक्टिव में है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा अ लेटर, क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय हर, लेटर इज रिटन बाय हर। अब ये सेंटेंस हमारा किसमें है? अब हमको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, मतलब और इसे हमको चेंज किसमें करना है, एक्टिव में। देखिए है किसमें, पैसिव में, क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और इसको हमको चेंज किसमें करना है, एक्टिव में चेंज करना है। यहां ये लिखा है एक्टिव में नहीं बल्कि एक्टिव में क्या करना है, चेंज करना है। तो अब इसके लिए आपको वो पहला फार्मूला, अब जो बाय के साथ वहां सब्जेक्ट लगा है हर को हम चेंज कर लिए, यहां पर क्या आया से, यहां पर हम देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट शो कर रहा है क्योंकि पैसिव वॉइस में है, इसलिए सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या हो गया, राइट्स अ लेटर, क्या हो गया, सी राइट्स अ लेटर, आपका चेंज हो गया किसका, एक्टिव में चेंज हो गया। मान लीजिए हमने दूसरा सेंटेंस लिया, हमने लिखा आई एम, चलिए आई एम के स्थान पे हमने लिखा क्या, आई वॉज कॉट बाय देम, लिखा गया आई वॉज कॉट बाय देम, मतलब मैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता हूं। अब देखिए आई वॉज कॉट बाय देम, अब देम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर पैसिव वॉइस में है, इसको भी आपको किसमें चेंज करना है, एक्टिव में। अब यहां पर हम ले आएंगे देन को, यहां पर चेंज किया गया, क्या हो गया दे, और दे के साथ ये देखिए वाज शो कर रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट ही होती है, हमने लिखा क्या दे टॉट मी, आपका बन गया किसमें हो गया, ये एक्ट में चेंज हो गया। क्लियर हुआ? अगला क्या है, मान लीजिए हमने एक एक्सरसाइज लिया, ठीक है, और यहां पर लिखा यू विल बी, क्या लिखा यू विल बी टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, यू विल बी टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। अब इसको भी आपको किसमें चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। अब एक्टिव में चेंज करेंगे तो मी को क्या करेंगे, हम यहां पर लाए सब्जेक्ट बनाए, यहां पर क्या हो गया आई, आई के साथ देखिए बिल का प्रयोग नहीं होता बल्कि किसका होता है सेल, और चूंकि ये फ्यूचर इनडिफिनिट है इसलिए सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई सेल टेल, क्या हो गया यू अ स्टोरी, क्या हो गया आई सेल टेल यू अ स्टोरी। क्लियर हो गया? एक इसमें चेंज हो गया आपका, मतलब कि पैसिव वॉइस को हमने किसमें चेंज किया, एक्टिव वॉइस में। ऐसे ही मान लीजिए हमने ये तो सिंपल दिया, आपको एक सेंटेंस दिया गया और वो सेंटेंस रहा आपका इंपरेटिव का, ठीक, इंपरेटिव में मान लीजिए लिखा गया लेट, इसके बाद लिखा गया क्या द विंडो वी ओपन, लिखा गया लेट द विंडो बी ओपन, ये आपका किसमें है पैसिव में है क्योंकि लेट का प्रयोग किया गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी के साथ, देखिए बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, यहां पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अब क्या करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में को एक्टिव में चेंज करेंगे, देखिए यहां पर हमने पैसिव लिख दिया, इसको एक्टिव में अगर हम चेंज करेंगे, यहां पर जो ओपन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हमको यहां पर लाना पड़ेगा, हमने लिखा क्या ओपन द विंडो,
क्या हो गया, ओपन द विंडो। क्लियर हुआ आपका? तो इसी सेंस में आप क्या करते हैं, जैसे पैसिव वॉइस को मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वैसे ही हम पैसिव वॉइस को एक्टिव में भी चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय देम। एक सिंपल सेंटेंस हमने लिखा सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय देम। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या करेंगे, देन देखिए यहां पर है, हमने यहां पर लाया दे बना लिया, इसको दे के साथ क्या लगेगा, वाज बीइंग मतलब ध्यान दीजिएगा ए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन सेंटेंस हमारा पैसिव में है, इसको हमको चेंज किसमें करना है, एक्टिव में। तो अब दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। दे प्लूरल है, इसके साथ हमने लगाया वर्ब। अब संग जहां लिखा है इसके लिखाएंगे क्या, सिंगिंग सॉन्ग। क्या हो गया, दे वर सिंगिंग सॉन्ग। क्लियर हो गया? तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी किताब में खोलेंगे, जैसे पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं, वैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव में भी चेंज करना सीखें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।